<applause> الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فاؤز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم لايك most احترام ناظرين الكرام محمد کا Merciful, محمد شامي اقبال شامی پروگرام سات is کے ساتھ آپ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام is the इंसान के दिल के गुनाहों के साथ दरवाज़ों को बंद करने का प्रैक्टिकल मेथड सीखा और उस पर इस्तेकामत हासिल करने के तरीके पर हम कलाम कर रहे थे नाज़रीन क्रम हमारे लिए ये जानना नहाय ही ज़रूरी है किबा पर इस्तकाम हासिल करना ये हमारा बुनियादी मकसद है ये वो सबब है जिसकी वजह से आज हम ये सारे स्पिरिचुअल कोर्स कर रहे हैं कल्ब कोर्स कर रहे हैं और दिल के दरवाज़ों को बंद करने का प्रैक्टिकल मेथड सीख रहे हैं इसका बुनियादी मकसद है इस्तकाम ताकि हमें इस्तकामत मिल जाए और ये याद रख लीजिए कि अस्तकामतु फ़ोकल करामा इसतकामत करामत से भी बुलंद मकाम पर फायज़ है यानी एक वली की हकीकी अलामत इसकामत है कंसिस्टेंसी है जो काम शुरू करता है इसतकामत के साथ करता है और खला के कायनत ने कुरान करीम में बारहाँ बार बार कुरान करीम में इस की अहमियत को किया इस पर ज़ोर दिया अल्लाह वजल सुर हामीम सजदा में शायद फरमाता है कौल रब्लास्त कौनआल का हालांकि कायनात इशात फरमाता है कि वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर कायम हो गए फिर इस पर डट गए इस पर इस्तिकत हासिल कर ली तत नज़्लमललायिका ऐसे लोगों पर मलाइका का नज़ुल होता है तफसीर इबिन जरीर में मलाइका के नज़ुल के हवाले से इबिन जरीर तबरी फरमाते हैं कि मलाइका के ये नज़ुल इंसान की मौत के वक्त होता है या कब्र में होता है या आखिरत में क़्यामत के रोज़ मलाइका का नज़ूल होगा जो इंसान को जन्नत की बिशारत देंगे इसी तरह तफसर कबीर में इमाम राजी रमा ने भी ऐसा ही कलाम किया है साहिब रमानी और दीगर मुफासन ने इशात फरमाया है कि ये मलाइका का नौज़ुल दुनिया में भी होता है यानी इंसान जब किसी मुसीबत में मुबला हो जाता है तो मलाइका आकर तसली देते हैं इंसान के कल को तसली व तशफ़ी होती है और फिर जब इंसान रूहानियत के और तस्किया कल के इन मराहल को तय करता चला जाता है फिर एक मकाम इंसान को ऐसा मिलता है कि दुनिया में ही उसे ये बशारत दे दी जाती है कि तुझे आखिरत में जन्नत मिलेगी और कहा जाता है अल्लाह तवाफू वला तजनों कि तू खौफ न रख और डर भी ना गमगीन भी ना हो यानी यह अल्लाज वजल का एक करम होता है जो इंसान को मजीद इस की राहों पर गामजन करता है क्योंकि इंसान को दुनिया में ही कल भी तसली व तशफ़ी मिल जाती है कि उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल है नाजन करम बेशुमार लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम भी एक मदत से इबादत कर रहे हैं अल्लाह को याद कर रहे हैं नमाज़ें पढ़ रहे हैं अल्लाह की याद में जिक्रुल्लाह की महाफिल में जाते हैं लेकिन दिल की दुनिया में तब्दीली वाक़ नहीं होती लोग कहते हैं कि इबादत के ज़रिए दिल में नूर पैदा होता है दिल में कुछ बिजदानी कैफ़ियात पैदा होती हैं ऐसा कैफो सरूर मिलता है कि सारा दिल नूरानी बन जाता है दिल में नूर पैदा हो जाता है लेकिन हम तो एक अरसे से इबादत कर रहे हैं एक मुद्दत से हम अल्लाह को याद कर रहे हैं लेकिन कुछ फ़र्क महसूस नहीं होता नमाज़ में वसाविस आते हैं नमाज़ में गलत ख्याल आते हैं इबादत में खुशबू व ख़ुद नहीं मिलता तकवा भी है परहेजगारी भी ज़ाहरी तौर पर है सब कुछ हम कर रहे हैं हम मशाइ के पास जाते हैं उलमाए क्राम के पास जाते हैं हम पीने निज़ाम के पास जाते हैं उनसे अवराद लेते हैं वज़ाइफ लेते हैं वो वजायफ देते हैं वो बताते हैं फलाँ अमल करोगे तो फ़लाँ मुसीबत टल जाएगी फलाँ व्रद करोगे तो दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी तंगदस्ती दूर हो जाएगी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और वसअतें मिलेंगी कुशादगियाँ मिलेंगी खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगे लेकिन आर्जी तौर पर तो बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है तकलीफ़ों से दूरी आर्जी तौर पर होती है लेकिन मुस्तकिल सकून नहीं मिलता इस बुनियाद पर कुछ लोग नाजीन कराम अपनी कल्ब की बीमारियों को इग्नोर करते हुए आयात कुरानिया की बरक़ात को भी शकुक व शुबात की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि शायद ऐसा है कि कुरान करीम की आयात में ऐसी शिफा है ही नहीं शायद के इन औरादों वज़ाइफ में ऐसी बरकत हैं ही नहीं हम एक मुद्दत से कोशिश कर रहे हैं इबादत हैं सब कुछ हैं लेकिन दिल की दुनिया बदलती क्यों नहीं है नाजरीन कराम इसको समझाने के लिए ये मिसाल समझ लें अगर कोई शख्स कहता है कि मैं दूध के ज़रिए मलाई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मक्खन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ घी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या दूध से दही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दूध से न मलाई निकलती है ना मक्खन बन सकता है न घी बन सकता है ना, ना दही बन सकती है हम पूछते हैं क्यों वो शख्स कहता है देखो मैं एक अरसे से एक बर्तन में दूध डाल रहा हूँ लेकिन ना ना वहाँ पर मक्खन बनता है ना दही बनती है ना ही घी बनता है हम देखते हैं उस बर्तन को तो जब बर्तन को देखते हैं तो पता चलता है कि उस बर्तन के नीचे सात बड़े बड़े सौराख हैं वो दूध बर्तन में डालता है लेकिन वो दूध उस बर्तन में रुकता नहीं वो दूध उस बर्तन में इस नहीं पकड़ता जमता नहीं रुकता नहीं ठहरता नहीं वो एक तरफ से दूध डाल रहा है दूसरी तरफ से दूध निकल रहा है अब अगर वो दूध उस बर्तन में रुकेगा नहीं तो वो दूध मक्खन कैसे बनेगा वो दूध से मलाई कैसे निकलेगी उस दूध से दही कैसे तैयार किया जाएगा घी कैसे बनेगा नाजिन कराम ऐसा शख्स अगर कहे कि दूध से मलाई बन ही नहीं सकती दूध से मक्खन तैयार हो ही नहीं सकता तो हम उसे कहेंगे वो नक्स व ऐब दूध में नहीं है वो नक्स व ऐब उस बर्तन में है तेरे बर्तन में सात बड़े सौराख हैं पहले उन सौराखों को बंद कर दूध जब उसमें इसतकरार पकड़ेगा फिर उसके बाद वो दूध तब्दील होकर मक्खन और दही बनेगा नाजरीन इकराम एन इसी तरह वो लोग जो कहते हैं हम इबादत कर रहे हैं लेकिन सुना है कि इबादत का नूर दिल में पैदा होता है फिर वो नूर फैलता है लेकिन हम एक मुद्दत से इबादत कर रहे हैं एक मुद्दत से अल्लाह को याद कर रहे हैं एक मुद्दत से हम अवराद पढ़ रहे हैं वज़ाइफ पढ़ रहे हैं लेकिन तकलीफ़ें दूर नहीं होती मुसीबतें दूर नहीं होती मुश्किल नहीं चलती बलाएँ और आफतें आ रही हैं तंगदस्ती दूर नहीं होती शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इन औराद और वज़ाइफ में बरकत ही नहीं नाजरीन कराम हकीकत यह है कि इन औरद में तासीर है इन औरद में बरक़ात हैं इन अवराद और वज़ाइफ में रूहानी ताकतें हैं स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो इंसान के दिल में नूर फैला सकती हैं लेकिन नक्श और ऐब हमारे दिल के बर्तन में है वो ऐब हमारे दिल के बर्तन में है हमने दिल के उन गुनाहों के साथ दरवाजों को खोला हुआ है जब हम इबादत करते हैं अल्लाह को याद करते हैं उससे दिल में नूर दाखिल तो होता है नाजीन के राम लेकिन वो जो सात दरवाजे खुले हुए हैं उनके ज़रिए गुनाह भी जारी हैं आंख भी गुनाह कर रही है कान भी गुनाह कर रहे हैं वो नूर जो दिल में दाखिल होता है उसका असर गुनाहों की वजह से झायल हो जाता है गोया कि वह नूर दाखिल एक तरफ से होता है और दूसरी जानब से निकल जाता है ज़रूरत इस अमर की है कि हम दिल के इन सात दरवाज़ों को अव्वलन मजबूती से बंद करें जब हम बंद कर लेंगे नाजरीन की राम और इन दरवाज़ों को इसी तजकिया कल्ब की तरतीब से जब इंसान बंद कर लेता है जब दिल के ये दरवाज़े बंद हो जाते हैं गुनाहों के ये दरवाज़े बंद हो जाते हैं और फिर उसके बाद इंसान इबादत में इसकामत हासिल करता है फिर कुरान पढ़ता है तो कुरान का नूर दिल में मौजूद रहता है फिर नमाज पढ़ता है तो नमाज का नूर दिल में मौजूद रहता है फिर अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह की याद का नूर दिल में मौजूद रहता है फिर इसम सल्हु वसलम की बारगाह में सलाम की गजरे निछावर करता है तो दुरूद सलाम का नूर इंसान के दिल में जमा रहता है पकड़ लेता है फिर वो शख्स जब की महफिल में जाता है औराद करता है अल्लाह को याद करता है तस्बीहात करता है तहज पढ़ता है इशराको चाश्त की कसरत होती है वो नूर इंसान के दिल में जमा रहता है फिर एक वक्त आता है नाजरीन कराम जब वो नूर इंसान के दिल के उन्हीं दरवाजों के जरिए फैलता चला जाता है फिर वो नूर इंसान के जिसम में मुंतकिल होता है इंसान का सारा जिसम नूरानी हो जाता है और फिर वो वक्त आता है नाजीन किराम कि वही कल्ब जो पहले अकलबुल शैतानी था इंसान का वही दिल जो पहले अलकलबुल गाफिल था अकलबुल मखतूम आलई था अलकलबुल मरीज था कासी था अलकलबुल मय था वही कल्ब अलबुलमतमैन बन जाता है सलीम बन जाता है अलब्ब रूहानी बन जाता है अलकबुल रब्बानी बन जाता है उस दिल के फिर ऐसे दरवाजे खुलते हैं कि वही शख्स जो पहले गुनहगार बदकार से आकार था उसका सारा जिसम आलूद मासीत था लेकिन जब वो दिल के इन सात दरवाज़ों को तजकिया कल्ब के जरिए बंद कर लेता है नाजरीन के राम फिर वही शख्स साले बनता है फिर वली बनता है फिर नजीब नकीब कुतब अबदाल गौस अवताद और फिर

मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान के दिल को शयातीन ने अपने घेरे में न रखा हो यानी शयातीन के ये दरवाजे जिनके जरिए शैतान इंसान से गुनाहों का इर्तिकाब कराता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं गोया कि अगर इंसान ने शयातिन को दूर कर दिया ल न मलाकूत समा वो इंसान बैठा हुआ दुनिया में होगा लेकिन मलाकूत आसमान की बादशाहियां उसकी निगाहों के सामने होंगी वो वह मलाकुतम को देखेगा आलमैब के हिजाबा

फरमाते हैं लो अक्समा अल्लाही ला अगर ऐसा शख्स अल्लाह के नाम की कसम खाए तो अल्लाह उसकी कसम के मुताबिक लोगों की तकदीरें बदल दिया करता है वो जो कहता है वैसे ही हो जाता है और ये अल्लाह अलाजल का उस वली पर करम होता है उसकी ज़ुबान से जो दुआ निकलती है वो दुआ कबूल हो जाती है तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई इधर ज़ुबान से निकली उधर कबूल हुई अल्लाह जजल उसकी दुआओं को कबूल करता है और फिर नाजिन कराम एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब अल्लाह ज वजल मखलूक के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मेरे आका सल्लल्लाहु आकाल् वसम शाद फरमाते हैं यह हदीस मुतफ़ुन अलैह है सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है रिसालत आप रिसात माप सल्हम अशात फरमाते हैं इज़ा अहब्बल्लाहु अल अहबल्लाबदा इजा अहब्बल्लाहु अब्दन जब अल्लाह को एक अब्द से मोहब्बत हो जाती है ना द जबरील अल्लाहल जबरील अमीन को पुकारता है फरमाता है हे जबरील मुझे मेरे फ़लाँ बंदे से मोहब्बत हो गई है मुझे मेरे फुला अब्द से प्यार हो गया है है जबरील तू भी उससे प्यार कर है जबरील तू भी उससे मोहब्बत कर अल्लाह जल जबरील को हुक्म फरमाता है हदीस के अल्फाज हैं फिर जबरील को भी उस अबद से प्यार हो जाता है जबरील को भी उस अब से मोहब्बत हो जाती है फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है जबरील अब समा को बता दे आसमानी मखलूक़ात में ऐलान कर दे सारी आसमानी मखलूक़ात को बता दे कि अल्लाह को अपने फ़लाँ अद से प्यार हो गया है अल्लाह को अपने फ़लाँ अद से मोहब्बत हो गई है और तुम भी उससे मोहब्बत करो जबरील आमीन समा में ऐलान करते हैं यह सदा बुलंद की जाती है कि सुनो समा अल्लाह को अपने फ़लाँ अद से हो गई है अब तुम भी उससे मोहब्बत करो फिर वो भी उससे महब्बत करते हैं और फिर जब वो उससे महब्बत करते हैं फिर फरमाया जाता है कबूल फिल अर्द फिर अल्लाह जवजल मखलूक में जमीनी मखलूक में उसकी मकबूलियत ज़मीन की मखलूक के दिलों में रख देता है वज़ा कर देता है गोया कि वो शख्स अल्लाह की ज़मीनी मखलूक के कुलूब पर राज करता है उनके दिलों पर राज करता है और फिर उसके तहकुम का आलम यह होता है लोगों के दिलों पर ऐसा राज करता है कि ज़मीन वाले भी उससे महबत करते हैं आसमान वाले भी उससे महब्बत करते हैं और उनकी महब्बत का आलम यह होता है कि ज़मीनी मखलूक भी उसकी इतात करती हैं ज़मीन में अल्लाह की जितनी मखलूक हैं वह सब उसकी इतात करती हैं इंसान उसकी इताद करते हैं नबातात उसकी इतात करते हैं जमादात उसकी इतात करते हैं हैंत उसकी इतात करते हैं शजरात उसकी इतात करते हैं वो अगर उसके सामने कोई तो शख्स मुर्दा मौजूद हो तो उसे अल्लाह के हुक्म से वज़न ला वो हुक्म देता है वो मुर्दा जिंदा हो जाता है नाजरीन के राम हैवानात उसके हुक्म पर अमल करते हैं दरिया उसके हुक्म पर अमल करते हैं समंदर उसके हुक्म पर अमल करते हैं जिस दिल या शख्स ने इस दुनिया में अपने मुर्दा दिल को जिंदा कर लिया नाजरीन के वो मर भी

तजकिया एक कल्ब का स्टेप लेता है और फिर रफ्ता रफ्ता इन मनाजिल को तय करता चला जाता है और नाजीन राम इंतहाई हैरत अंगेज़ और अजीब व गरीब मरहला फ़िक्र है कि वो सात दरवाज़े जिनको इंसान बंद करने के बाद वो सात दरवाज़े जिनके जिन जरिए शैतान इंसान के दिल पर हमला करता है इन्हीं सात दरवाज़ों में से पाँच दरवाज़े ऐसे हैं जो अल्लाह वजल उस बंदे के लिए नूरानियत के लिए खोल देता है

ورجله التي يمشي بها आप सल्ला नेरमायाजर इशात फरमाता है इंसान जब इन्हीं तस्किया कल्ब के इन्हीं दरवाजों को बंद करने के बाद तोबा पर इस्तकामत हासिल करने के बाद गुनाहों से इजतनाब करने के बाद जब इंसान रूहानियत के मनाजिल तय करने के लिए इबादत करता है नवाफिल की कसरत होती है इबादत की कसरत होती है और जब वो नूर इंसान के दिल में जमा हो जाता है तो सही बुखारी की रवायत है बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं अल्लाह जवर फरमाता है Allah का फरमान है ने नकल किया अल्लाह से नकल किया कि, है कि को प्यार हो जाता है और जब अल्लाह को उससे महबत हो जाती है फरमाया मेरे अब तेरा वो कान तेरा वो दरवाज़ा जिसके जरिए शैतान तेरे दिल पर हमले करता था शैतान तेरे दिल में गुनाहों के तीर फेंकता था जब तूने कान के उस दरवाजे को बंद कर दिया अब वो दरवाजा एक दूसरी जिहत से खुला एक दूसरे जाविये से खुला और वो दरवाजा कैसे खुलता है रब फरमाता है यस्माउ बिही मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है कान उसके हैं लेकिन रब फरमा रहा है मैं रब उस अब के कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है फरमा

मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है नाजरीन के राम उस मोमिन को जब ये मकामात मिलते हैं जब ये रूहानी मकामात मिलते हैं जब वो अल्लाह के नूर से देखता है तो वो बैठा हुआ बगदाद में है लेकिन पूरे आलम को इस तरह देखता है गोया कि अपनी हथेली को देख रहा है वो खरासान के पहाड़ों में बैठा अल्लाह की सदा बुलंद करता है विरद अल्लाह जारी करता है लेकिन हिंद में उसकी सदाएं सुनाई देती हैं

मकीने गुमबदे हज़रा के नूर से मुतारफ़ हो जाते हैं वो दिलों की दुनिया बदल डालते हैं नाजरीन कराम ये मकाम इन अलिया को मिलता है नाजरन कराम जो कुछ मैंने अर्ज़ किया जो अर्ज कर रहा हूँ कुरान सुन्नत के दलाल के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ आप जानते हैं कि जो कुछ बयान कर रहा हूँ मैं किसी मटके में मुंह डालकर सरगोशी नहीं कर रहा हज़ारों लाखों की आंखें टिक टिकी लगाई इस टीवी स्क्रीन के जरिए मुझे देख रही हैं नाजरीन कराम अगर मेरा कलाम होता अगर साकिब शामी की बात होती दीवार पर दे मारते लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है इसे कबूल फरमा लीजिए रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है इसे रद्द नहीं किया जा सकता और सही बुखारी की रिवायत है बुखारी की रिवायत है और इसके आखिरी अल्फाज समात फ़रमा लें रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इर्शाद फरमाता है मोमा तरद इन अल्लाह इर्शाद फरमाता है कि मुझे किसी बात पर तरद नहीं होता मुझे किसी बात पर तरद नहीं होता लेकिन वो खला के कायनात है

के मतलक जो आयात कुरानी और औरदी मुस्तफ़ा वारिद हुई हैं अलहद उससे ये दिल का ख़जाना दिल 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 उस ख़जाने से भरा हुआ है लेकिन वक्त की जंजीरों ने जकड़ा हुआ है वक्त इजाज़त नहीं देता नाजीन कराम इसलिए मैं यहीं इसी बात पर आपसे इजाज़त तलब करता हूँ और इन शाह तशिश करेंगे कि चूँकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सफ़ा दिल पे नक्श है शक्ल सूरत यार की इश्क की सारी दासतान बंद है इस किताब में अल्लाह का बड़ा करम है हम चाहेंगे कि कल से इस किताब को मज़ीद खोलेंगे और अलिया कामिलीन के मकाम को बयान करेंगे मैं आखिर में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि बरतानिया में हमारे तीन भाई जो शहीद हुए हैं बर्मिंगम में उनमें से एक भाई जो हमारे बहुत ही करीबी थे उनकी फ़ैमिली उनकी बहन तहरीक कमजोर हदा से वाबस्था थी और उनकी फैमिली के लिए भी हम दुआ करते हैं उन तमाम शहीदों के लिए दुआ करते हैं हारून और इसके अलावा मुसविर और शहज़ाद मैं तमाम नाजर से गुजारिश करूँगा चूँकि आज उनका जनाजा बरतानिया में पढ़ा गया है तमाम नाजरन उनके लिए खसूस दुआ करें अलाज वजल उनकी शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए उन्हें बुलंद वाला मकाम पर फ़ाइज़ करें व आखरूदानादुल्लि और रबालमीन खुदा की असम क्या है